क्लास नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। भी जो लास्ट टाइम ने टॉपिक किया था होगेन प्रिंसिपल, उसके बेसिस पे आपको करना है रिफ्रैक्शंस करवाना है। अभी अगर आपको रिफ्रैक्शंस को प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? अभी क्या प्रूव करना है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मेटेरियल से मीडियम जो भी यूज करें हम लोग, कर लोगे? देखिए दो मीडियम है क्लास, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम मान लेते हैं कुछ। यहाँ पे स्पीड C1 है अभी लाइट का, यहाँ पे स्पीड कितना है C2। वहाँ पे एक ही मीडियम था तो स्पीड एक ही यूज किया हम लोगों ने C, याद है? yes. यहाँ पे एक बीम गिर रही है अभी, आफ्टर रिफ्रैक्शंस मीडियम में जाएगी। तो आपको प्रूव करना है कि साइन आई और साइन आर का रेशो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। कर पाओगे? तो एक बीम गिर रही है ऐसे भी, किस फॉर्म में आ रही है? इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। भी किस टर्म में जाएगी? इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, सही है। और ये वेव फ्रंट कौन सी ली थी हम लोगों ने? ए बी। ए बी इज द वेव फ्रंट्स। कौन सी वेव फ्रंट है ये? प्लेन वेव फ्रंट। इसको मैंने 1 माना था, इसको 2 माना था, बीम से ऐसे आ रही थी भी। अब देखिए मेरा हाथ वेव फ्रंट है अभी, अभी मीडियम पर स्ट्राइक किया, जब यहाँ पे स्ट्राइक किया मीडियम के ऊपर तो बी पॉइंट भी एयर में है, यह सर ना ये पॉइंट है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से लाइट एंटर करेगी मीडियम में भी। होगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट। में अगर ये न्यू सोर्स है सरफेस पे ही तो अपनी लाइट देगा मीडियम के अंदर भी, यह सर ना। तो इसकी लाइट क्या जा रही है? मीडियम में जा रही है अभी। कौन सी लाइट है ये? 1-। देखिए इसकी लाइट तो एंटर कर गई मीडियम में, और इसकी भी किस में है? एयर के अंदर अभी हो जाएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा होगा अभी, इट इज़ ए B- पॉइंट भी हो जाएगा। और जब ये यहाँ पे यहाँ से पहुँचा तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, टाइम T मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा यहाँ पे भी? B-B का कितना होगा? B-B इज इक्वल टू C1 TV, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितना है एयर के अंदर? सी है। उस टाइम के दौरान ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा अभी? कितना? C2 B। टाइम तो सेम लेना है। यहाँ पे मान लेते 2 सेकेंड में पहुँचा है, तो 2 सेकेंड में ये कहाँ पे होगा भाई? तो कितना डिस्टेंस होगा उसका? C2 T बराबर नहीं होगा भाई, क्योंकि मीडियम की स्पीड क्या है? अलग अभी। यस आर नो? अब क्या करना आपको? इतना ए को सेंटर मानिए, इतना कंपास ओपन कीजिए और एक आर्क लगा दीजिएगा। किसके ऊपर? इसके ऊपर। यस आर नो? यहाँ पर लगा दी मैंने एक आर्क भी, क्या मिलेगा मेरे को? A- पॉइंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A-A-? यही तो है C2 T। इतना ही कंपास ओपन किया था, ये वही डिस्टेंस तो होगी। यस आर नो? यानी ये बीम्स यहाँ पहुँच चुकी होगी और ये यहाँ पे आ चुकी होगी। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज़ द न्यू सोर्स ऑफ लाइट। ये भी खुद की बीम देगा अभी आपकी। यस आर नो? कर पाओगे? ये कौन सी थी? 2-। अगर मैं B- और A- को मिलाऊं तो मेरे को एक वेव फ्रंट मिल रही है अभी। लाइट एंटर कर रही है विद वेव फ्रंट और रिफ्लेक्ट कर रही है विद वेव फ्रंट से। यस आर नो? अभी मैंने कोई एंगल यूज नहीं किया आई और आर का वैल्यूज। आई कैसे आता है? यहाँ पे क्या ड्रा करते हैं हम? एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। यस आर नो? इट इज़ नॉर्मल। ये एंगल कितना भाई? आई। ये एंगल कितना? आर। अरे यही तो आर है नॉर्मल वाला, यही तो आर है। यस आर नो? इसको मैं अपना लूँ, ये आर है, एक ही बात है, सही है कि नहीं है? yes, तो आपको बताना है कि रिलेशन क्या है इनके बीच में भी, आई और आर के बीच में भी। अगर ये आई है तो ये कितना है भी? कल किया था, ये 90 है, ये 90 माइनस आई, ये 90 है, तो ये आई भी।
उस तरीके से अगर ये आर है तो ये कितना होगा, ये भी आर है, बता दो। yes, sir. और इसका म्यू वन मान लेते हैं, इसका कौन सा है म्यू टू, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, रिलेशन उसी में करना मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया अभी डायग्राम पे, लिख लीजिए, लिखो वी हैव ए बीम ऑफ लाइट, वी हैव ए बीम ऑफ लाइट हैविंग प्लेन वेव फ्रंट, हैविंग प्लेन वेव फ्रंट ए बी, हैविंग प्लेन वेव फ्रंट ए बी, स्ट्राइक ऑन द मीडियम, स्ट्राइक ऑन द मीडियम, ओके। तो मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको, लेट सी वन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एक मीडियम एयर ले लेता हूँ भाई, ठीक है। सी टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी सही है, सी वन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या इन मीडियम, जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग, कर पाओगे क्या सर ना। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी हो मीडियम की भाई, तो म्यू कैसे लिखूं मैं, ऐसा करो उसको म्यू और मी टू बना दो, क्योंकि हमने सी वन सी टू यूज कर लिया अभी, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की आपको, या तो आपके पास स्पीड हो या आपके पास म्यू हो, दो एक मुझे कोई एक हो काम चल जाएगा हमारा। व्हाट इज द म्यू वी ऑफ द मीडियम, कैसे करते हैं, कुछ याद है, सी वन बाई सी टू याद है कि नहीं है भाई, सी वन बाई सी टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई इन मीडियम करते हैं हम लोग, म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अगर म्यू दे रखे हो तो म्यू टू बाई म्यू वन लिखते थे हम लोग, म्यू टू बाई म्यू वन, याद रखोगे इस बात को, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन भी हो जाएगा, कर लोगे, देख लीजिए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए इट एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट, इट एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट, ये किसका थ्योरी है, होगेन का थ्योरी है ये, कर लोगे, एंड इट गिव वन डैश बीम भी, क्या दे रहा आपको ये, वन डैश बीम हो जाएगा भाई, ए स्ट्राइक कर चुका है मीडियम पे, इसने अपनी लाइट दे दी कौन सी, वन डैश, अभी तक बी अभी हवा में है अभी, लिख लीजिए, लेट टी क्या है, टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश, टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश, इसको यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना लग रहा है, इसको टी मान लेते हैं अभी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वन बी डैश लिख दो, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो मैं, बी बी डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, सी वन टी, यस आर नो, बी बी डैश इज इक्वल टू सी वन टी। अब इतने टाइम में लाइट ने मीडियम में कितना ट्रेवल किया अभी, देख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, रब कर दूं भाई इसको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन मीडियम इन टाइम टी इज सी टू टी, सही लिखा है, टाइम तो वही यूज़ कर रहा हूँ, स्पीड कितनी यूज़ कर रहे हैं, सी टू वाली, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सी टू टी भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे लिखिए, कंसीडर ए इज द सेंटर, कंसीडर ए इज द सेंटर एंड मेक ए आर्क, एंड मेक ए आर्क ऑफ लेंथ सी टू टी, मेक ए आर्क ऑफ लेंथ सी टू टी ऑन वन डैश बीम, ऑन वन डैश बीम, आपको क्या करना है, ए को सेंटर मानना है, इतना लेंथ का आर्क लगाना है ऑन द सेंटर, सॉरी ऑन द बीम, वन डैश, एंड वी ऑब्टेंड ए डैश पॉइंट भी, क्या मिला मेरे को यहाँ से, वी ऑब्टेंड ए डैश पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अरे बता दो, ए डैश पॉइंट मिल गया,
तो जो ये जो मिल रहा है मेरे को भी बी डैश ए डैश इज द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव, यस और नो? देख लीजिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज द वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव। टॉपिक कुछ नहीं है, मैंने ये सब पेज भरने के लिए लिखवाई सारी चीज़ें भी, कुछ डायग्राम में सब कुछ ये होना भी आपको कर लोगे। ये क्वेश्चन तीन नंबर में है तो लिखने के लिए तो होना चाहिए कुछ। तो टॉपिक तो हमने एकदम एक मिनट पूरा कर लेंगे टॉपिक को, देखना अभी मैं ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूँ अभी। इन द ट्रायंगल्स ए बी बी डैस, इन द ट्रायंगल ए बी बी डैस दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल्स, ये एंगल कितना है भाई आई, ये कितना एंगल है 90 डिग्री। क्या आप यहाँ से साइन आई निकाल सकते हो? साइन आई बराबर अभी क्या होता है आई, सॉरी साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये बेस होगा भाई दो एंगल बने में, नहीं बेरन ये क्यों है बी बी डैश बाई ए बी डैश, सही लिखा है बता दो। इन द ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, इन द ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश ये एंगल आर है ये कितना है 90 डिग्री। अरे हाँ या ना, पकड़ हो रहेंगे कितना आएगा भाई साइन आर इज इक्वल टू हैं ए ए डैश बाई ए बी डैश, चेक कर लो इक्वेशन फर्स्ट मान लो सेकंड मान लें सेकंड दिए ये थर्ड भाई हो गया है हो गया डिवाइडिंग टू बाई थ्री डिवाइडिंग टू बाई थ्री, टू को थ्री से डिवाइड कीजिए साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश बाई ए बी डैश इन टू ए बी डैश बाई ए डैश, मैंने सही लिखा है ये काट दें ओके। वट इज द वैल्यू ऑफ बी बी डैश बी हैं सी वन टी, यस और नो? वट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश सी टू टी, टी से टी काट दें तो कितना आया सी वन बाई सी टू, और फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग साइन आई बाई साइन आर सी वन बाई सी टू क्या होता है म्यू होता है। हो गया, यानी जो थ्योरी मानी गई है बिल्कुल सही है अभी। लिख दो क्या लिखवा था मैंने बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म भी, प्रिज्म और क्या था मिरर एंड लेंस, ठीक है किसके ऊपर भाई ऑन द प्लेन वेव फ्रंट्स भी ओके। तो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ डायग्राम बनाना अभी। पहला है प्रिज्म का भी, ये प्रिज्म हमारी ठीक है, अभी यहां से बीम जा रही है अभी एक, क्योंकि हम सारा टॉपिक अब किस फॉर्म में करने जा रहे हैं इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट्स भी ठीक है। यहाँ से एक वेव फ्रंट अभी इट इज प्लेन वेव फ्रंट, कुछ भी मान लो ए बी मान लें, ए बी में लेके ठीक है। क्लास देखिए अभी इस प्रिज्म के अंदर लाइट एंटर कर रही है इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट्स की टर्म में अभी एग्जिट कैसे करेगी ये हमको बताना है। तो इसमें बीट का पहला पॉइंट एंटर कर चुका अभी, स्ट्राइक कर चुका मेरी वे अभी हवा में है अभी, तो इसकी स्पीड कम होगी किसकी कम होगी वे बी की कम होगी, मीडियम में पहुंचते ही रिफ्लेक्शन शो करेगा भाई और लाइट बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन ये है भाई, जो बीम है वन और टू, ये वन डैश टू डैश,
कौन सी बीम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है मीडियम के अंदर भी? टू वाली डिजर्वेशन स्टेंड कर रही है भाई। इसकी क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, निशान में आई, डिस्टेंस कम है, इसकी स्पीड कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसके अंदर भी। जब एग्जिट करेगी यहाँ से भी पहले कौन निकलेगी भी? हैं, ए निकलेगी पहले भी, स्पीड भी ज़्यादा थी यहाँ तक, यहाँ तो कम स्पीड हुई है बहुत कम जगह में भी, तो ए ही बाहर निकलेगी। ए यहाँ पे निकल रही है, यहाँ पहुँच गई भी, उस टाइम बी यहाँ पे आई होगी, तो क्या मिलेगा मेरे को? ए डैश ए बी डैश। प्रिज्म ऐसा डिवाइस है भाई जिसके अंदर प्लेन वेव फ्रंट एंटर करेगी, प्लेन वेव फ्रंट ही एग्जिट करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस बात से। किस चीज़ का वेव फ्रंट? बिल्कुल, बीम्स वही निकलेगी, बस क्या होकर निकलेगी, डाइवेट होकर निकलेगी। डायग्राम बनाइएगा। इस दूसरा क्या है, मिरर की बात करते हैं अभी, मिरर की बात करेंगे। दो तरह के मिरर हैं स्फेरिकल मिरर में, बातें हो रही हैं, दो तरह के मिरर हैं क्लास, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। मिरर भी, ये कॉनकेव मिरर है क्लास, हम चेक करेंगे इस मिरर पे क्या फर्क पड़ेगा प्लेन वेव फ्रंट का भी। यहां से बीम जा रही है अभी, ओके, एक और निकाल लेते हैं, ए बी सी, ये जो बातें हो रही है ना, बात मत करो अभी, हो रही हैं, ए बी सी यहाँ पे जा रही है बीम्स, ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स भी, पहले कौन से पर स्ट्राइक कर रहे हैं मिरर के ऊपर भी? ए और सी, ए और सी स्ट्राइक कर चुके हैं, बी और बी हवा में है भाई, यस सर ना, पहले स्ट्राइक रहे तो आपके रिफ्लेक्शन पहले ही आएंगे, यस सर ना, जब ये यहाँ पे पहुँच चुके होंगे भी तब जाके कहीं बी पॉइंट यहाँ पे आया होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इनको मिलाएं, वी ऑब्टेंड कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स भी, कौन सी वेव फ्रंट मिल रही है मेरे को? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स, गई थी प्लेन ऑफिस के आई, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स भी, लिख लीजिए वी ऑब्टेंड कन्वर्ज, इसमें लिख दीजिए कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिलेंगे यहाँ से। अगर मिरर कौन सा हो, कॉन्वेक्स हो भी, ये बीम्स आ रही हैं यहाँ से, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है अभी, ये प्लेन वेव फ्रंट्स ए बी, ए बी सी, इस मिरर में देखो एक बार, बाद में बनाना डायग्राम, इस मिरर में देखिए कौन सा पॉइंट पहले स्ट्राइक करेगा अभी, बी करेगा, यस और नो? तो बी पहले कहेगा, बी पहले ऑफिस भी आएगा, क्यों ऑफिस इसी पॉइंट पे वापस क्यों आया, क्यों सेंटर से पास करेगा ये पॉइंट, कर लोगे, और ये भी हम क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, यस और नो? डाइवर्ज करने के बाद ये यहाँ पे कहीं पे होगी भी, अगर मिलाएं, वी ऑब्टेंड ए डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, इट इज ए डैश बी डैश सी डैश, सही है कि नहीं है? इसमें कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट भी। हमारे भी ये बने थे, ऐसी बात नहीं, तुम्हारे लेके हो गया अभी क्लास। इसमें नेक्स्ट लेंस है भाई, दो लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस, बीम्स आ रही हैं अभी, वी हैव ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी सी, बताइएगा जल्दी से कौन सा पार्ट पहले स्ट्राइक करेगा, हैं? बी, पक्का? ए बाद में करेंगे, कौन सा पार्ट पहले निकलेगा, ए और सी निकलेंगे, क्यों? कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यस और नो? यस और नो? कौन सा है, डाइव कन्वर्जिंग है भाई, पहले कौन निकलेगा, ए और सी, उसके बाद बी, कौन सी वेव फ्रंट मिलेगी,
कौन सी है ये? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है। यस आर नो? वी ऑब्टेंड ए कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। प्रिज्म को छोड़ के सारे में कुछ ना कुछ चेंज होगा भाई, ठीक है। अगर मिरर कौन सा हो, कॉन्वेक्स हो तो, सॉरी कॉनकेव हो तो, इतना कौन चिल्ला रहा है? कोऑर्डिनेटर। ओके, ए बी सी इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ओके, पहले पार्ट कौन सा स्ट्राइक करेगा बता दो? ए और सी। और पहले बाहर निकलेगा कौन? बी। पक्का देख लो। डाइवर्जिंग है भाई, प्रॉपर्टी तो वही है। ऐसे बनाऊं, ये क्या होगा? बी डैश यहाँ पे, ए डैश यहाँ पे, सी डैश। सही लिखा, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट पे। यस बी क्लास, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। मैंने लिखवा क्या था भाई, मैं बोल जाता हूँ। द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट कॉन्टिन्यूस लाइट, विच एमिट कॉन्टिन्यूस लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज डिफरेंस और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। दोबारा सुनिए, द कोहेरेंट सोर्स ऑफ, क्या लिखवा था मैंने? द सोर्स विच एमिट द कॉन्टिन्यूस लाइट ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी सेम वेवलेंथ एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, या सेम फेज डिफरेंस। ओके, इसका मतलब क्या भाई? पता ही नहीं है ना ये। देखिए भी क्लास, फिजिक्स ये बोलती है क्लास, दो बल्ब लगा दिए अपन लोग एक जैसे, देख कभी एक स्लाइड नहीं दे सकते आपको भी। हमको ऐसी लाइट चाहिए दो सोर्स की जिनकी वेवलेंथ सेम हो भाई, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनके अंदर फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, या सेम हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे, ऐसे कोई सोर्स बने नहीं आज तक भाई। दो बल्ब लगा दोगे ना, वो कभी नहीं दे सकते सेम तरह की लाइट्स भी, कर लोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें कोहेरेंट सोर्स यूज़ करने हैं भाई, अब बनाए कैसे? देखिए ये तो कर ही सकते हैं भाई, एक इस दीवार में दो सुराख कर लेते हैं। यस आर नो? और उस प्रलिप्त रूम के अंदर एक बल्ब लगा लेते हैं हम लोग। दो सुराख कर दिए और यहाँ पे लगा दिए एक सोर्स ऑफ लाइट भी, जो क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए भी। पहली कंडीशंस भी क्वेश्चन आता, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट भी? मोनोक्रोमेटिक क्यों यूज़ किया? उसकी लाइट फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी भी। कर लोगे, अब यहाँ से लाइट आ रही है भी और इन होल से पास करेगी। यस और नो? हमको यहाँ पे लाइट ऑब्जर्व करनी है अभी। मेरे लिए दोनों होल बिहेव लाइक सोर्स ऑफ लाइट्स, दोनों की फ्रीक्वेंसी लाइट किससे आई है? सेम सोर्स से आ रही है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फेज डिफरेंस सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगी। तो ये जो मेरे लिए जो उन्होंने होल किए हुए हैं, ये किस तरह बिहेव करेंगे? मेरे बिहेव लाएंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे मेरे को क्या ऑब्जर्व होगा? पैटर्न ऑब्जर्व होगा भाई, दीवार पे, उस दीवार पे भी कुछ दिखाई देगा भाई। ये इसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, हो गया कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हो गया भाई। उसके बाद लिखिए कंडीशन भी, कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्स।
कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्स भी। पहला कंडीशन लिखिए, फर्स्ट कंडीशन है द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ सिंगल सोर्स। द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ ए सिंगल सोर्स भी। जो आप सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हो दो, वो किसका पार्ट होना चाहिए? एक्चुअल में एक सिंगल सोर्स का पार्ट होना चाहिए, तो पॉसिबल है कि बन जाए कहीं कोहेरेंट सोर्स भी। कर लोगे? देख लीजिए सेकंड कंडीशन भाई, द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट भी। द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक भी। द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक होता है जिसकी एक रंग की लाइट निकले जिसके अंदर से भी। कर लोगे? अब बोलोगे व्हाइट भी तो निकल रही है, व्हाइट हैविंग सेवन कलर्स भी। कर लोगे? व्हाइट लाइट इज नॉट ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी। हो जाएगा? दूसरी बात भाई, जो अपने होल किए हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए कि कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस बना रहे उनके बीच में भी। देख लीजिए, द स्पेस बिटवीन द स्लिट इट शुड बी स्मॉल। द स्पेस बिटवीन द स्लिट SLIT, द स्पेस बिटवीन द स्लिट शुड बी स्मॉल भी, कम से कम होगी, ज़्यादा करो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कर लोगे? ये था भी आपका व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स एंड व्हाट आर कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। एनी प्रॉब्लम भाई? या सर ना बना लो क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी। इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट, इंटरफेरेंस क्या होता भाई? देखिए, टू और मोर लाइट वेव का सुपरइम्पोज होना भाई क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस ऑफ सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रिक्वेंसीज की लाइट होनी चाहिए भाई। मतलब लाइट कहाँ से आनी चाहिए? कोहेरेंट सोर्स से आनी चाहिए लाइट। ठीक है, तो लिख दीजिए क्या होता है ये। देखिए, इट इज़ ए फिनोमिना ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑफ टू और मोर लाइट विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी। सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड हैविंग ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस बंद कर देंगे इसकी बुक, बंद करो। देखिए, दो तरह के इंटरफेरेंस होता है क्लास। इसमें सुपर इम्पोज करना है लाइट को, कैसी? टू मोर देन टू लाइट्स को भी। एक लाइट ये हो सकती है, वेव फॉर्म में आएगी। एक लाइट ये हो सकती है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड को मैं Y1 ले लो या A1 ले लो, मर्जी है तुम्हारी भी। मैं Y1 ले लेता हूँ। ये कितना है? Y2। ये वेव्स क्या कर रही हैं? सुपर इम्पोज कर रही हैं भी। मतलब इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे गिर रहा है, इसका टर्फ इसके टर्फ पे गिर रहा है। इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी। क्या बोलते हैं इसको? दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो वैल्यू बढ़ के आती है भी, ठीक है। ये कितना होता है? इट इज़ Y = Y1 + Y2। इसको A ले लो, इंटरम ऑफ एम्पलीट्यूड। मैंने Y क्यों लिया है? आपको याद होना चाहिए इक्वेशंस, Y = A sin ωt होता है। किसी वेव इक्वेशन को दिखाते हैं, A मान लो या Y मान लो, चॉइस एक आपका। ये डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, ये किसका दिखाता है? इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी। इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड भी। कर लोगे? बुक में A लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको इस चीज़ से। हो जाएगा भी? लिख दिए साइड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी। लिखवाऊंगा नहीं, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? दो लाइट का सुपर इम्पोज होना। इसी तरीके से अगर एक लाइट ऐसी हो तो भाई
ये तो ए तो मान लेते हैं ऐसा ही है, बी अगर बी का ऐसा अरेंजमेंट हो गई, बी आउट ऑफ फेज हो, इसका क्रस्ट इसके तरफ पे गिरे भी, यस सर ना, ये वाई टू ले लेते हैं, इसका क्रस्ट इसके तरफ पे गिरे ऐसे में यहाँ पे, इसका टर्फ इसके क्रस्ट पे गिरे तो जो इंटरफेरेंस होगा वो वैल्यू घट के आएगी उसकी भी, नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है, अब तो वो डिपेंड करेगा बड़ा कौन सा भी कर लोगे, तो ये वैल्यू ऐसे हो सकती है, जो वाई होगा वो वैल्यू क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन माइनस वाई टू, इसमें इंटेंसिटी घट के आएगी भी कर लोगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी, लिख दो साइड में यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या देखो इसमें एक रिलेशन था भाई, आपने ये टॉपिक अब हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है इन टर्म ऑफ वेव्स भी, ठीक है, सुपर इम्पोजिंग ऑफ टू वेव्स, अगर इंटेंसिटी की बात करें भी, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है अभी, तो इंटेंसिटी क्या होती है लिख दो इसको भी आप, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू किसके भी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये यूज करेंगे भी, अगर इसका इंटेंसिटी निकालना सिंपल है, वाई वन प्लस वाई टू का स्क्वायर भी कर लोगे हो जाएगा, ये था भी आपका व्हाट इज इंटरफेरेंस भी, यस भी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी, इसने एक्सपेरिमेंट किया था, देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट था, इसने एक सोर्स यूज किया भी, दिस इज सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट भी, ओके, और उसने यूज किया टू स्लिट्स भी, स्लिट ए स्लिट बी, ओके, और यहां पे लगा दी स्क्रीन भी, मतलब क्या है, इस रूम के उस तरफ एक सोर्स रख दिया गया अभी, इस दीवार में दो होल कर दिए गए और वो सामने की दीवार की आपकी स्क्रीन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ से लाइट जाएगी, सोर्स से निकलेगी, सॉरी होल से निकलेगी, स्लिट से निकलेगी मान लेते हैं, अब ये इस स्क्रीन के लिए दोनों स्लिट्स किस तरह बिहेव करेंगे, बिहेव आएगा सोर्स ऑफ लाइट भी, यस आर नो, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट हैं तो खुद की लाइट भी देंगे इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, यस आर नो, इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट इसकी भी मिलेगी, आपको कुछ देर बाद ये फील हो रहा होगा कि वेव फ्रंट्स क्रॉस करना शुरू हो गए दूसरे को, यस आर नो, इस क्रॉसिंग की वजह से या इस दीवार पे या स्क्रीन के ऊपर पैटर्न दिखाई देगा भी आपको, एक पैटर्न कैसा, आपको फ्रिंक्स दिखाई देंगी, फ्रिंक्स क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं भी, कैसी पट्टियाँ दिखाई देंगी, डार्क और ब्राइट फ्रिंक्स भी, डार्क और ब्राइट फ्रिंक्स, फ्रिंक्स क्या होती है, पट्टी दिखेंगी ऐसे, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, कहीं डार्क कहीं ब्राइट भी, ओके, ये था इसका एक्सपेरिमेंट भी, ये भी पूरा इसको एक्सप्लेन करेगा इस पूरे टॉपिक को भी, ये जो डॉट दिखा रहा हूँ इट इज़ फॉर ब्राइट फ्रिंक्स भी, क्रॉस किसके लिए है, डार्क फ्रिंक्स के लिए भी, ठीक है हो जाएगा भी, हमें क्या मिलेंगी, ब्राइट और डार्क फ्रिंक्स, फ्रिंक्स क्या होती हैं, पट्टियाँ ऐसे, ठीक है, एक एग्जांपल है सिंपल सा, तो इसका पार्ट नहीं हो, अब टॉर्च लाइट मारो दीवार के ऊपर, आपको ऐसे दिखाई देंगे सर्कल दिखाई देंगे, ब्राइट फिर डार्क सा फिर ब्राइट डार्क सा, वो सर्कल दिख रहे हैं वो पट्टियाँ हैं अभी एक्चुअल में, वो टॉपिक का नाम डाइफ्रेक्शन अभी इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन वो दिखता उसे ही पैटर्न वहाँ पर कर लोगे, इन पट्टियों की खासियत क्या थी भी, एक तो क्या बनी, डार्क और ब्राइट फ्रिंक्स बनी, अल्टरनेट फॉर्म में बनी, इक्वल इंटेंसिटी की बनी, इक्वल स्पेसिंग की बनी हुई, ये सारी प्रूव करनी है, ऐसा क्यों हुआ अभी, समझ में आया, यही हम पूरा ये जो टॉपिक पूरा हो जाएगा तो हमारी पूरी हो जाएगी हमारी, ये कर लोगे, तो ये क्या है, डॉट क्या मान लेते हैं, ब्राइट फ्रिंक्स है, ठीक है, किसको दिखाता भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखाता है, किसको दिखाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी, समझ में आया, और क्रॉस वाली ये डार्क फ्रिंक्स है भी, किसको दिखाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखाता है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायग्राम बनाऊं कंप्लीट भी। लिखिए लेट एस इज द, लेट एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ए एंड बी, ए एंड बी आर द टू स्लिट, स्लिट होल होते हैं भाई या दो पट्टियां से बोल सकते हैं, दो चीज लगा रखी हैं हम लोगों ने, ए एंड बी आर टू स्लिट्स, ओके, एंड वी हैव ए स्क्रीन। बुक में पूरा आंसर चले क्या लिखा था मैंने, ए एंड बी आर टू स्लिट्स हैविंग विड्थ, लिखिए पूरा बुक का लिखवाते हैं भाई, हैविंग विड्थ 0.5 मिलीमीटर भाई, हैविंग विड्थ 0.5 मिलीमीटर, कर लोगे हो जाएगा। एंड वी प्लेस ए स्क्रीन, वी प्लेस ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, वी प्लेस ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, फ्रॉम द स्लिट, हो जाएगा। ये एग्जैक्टली हैं जो हमने यूज किया था, ये कर लोगे भाई। आगे लिखिए वी ऑब्टेंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंग्स, वी ऑब्टेंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंग्स ऑन द स्क्रीन, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंग्स ऑन द स्क्रीन इन इन अल्टरनेट फॉर्म भी, इन अल्टरनेट फॉर्म, अल्टरनेट मतलब पहले डार्क फिर ब्राइट ऐसे बना भाई, कर लोगे। हैविंग इक्वल इंटेंसिटी भी, हैविंग इक्वल इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या है? जितनी भी ब्राइट बनेगी सारी इंटेंसिटी क्या थी? सेम थी भी। जितनी डार्क बनेगी सभी इंटेंसिटी क्या थी? सेम थी। हैविंग क्या लिखा था? इक्वल इंटेंसिटी एंड हैविंग इक्वल स्पेसिंग भी, एंड हैविंग इक्वल स्पेसिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन है भाई, पूर्ण नहीं हुआ अब तक कुछ भी यहाँ पे, ये जो उनको मिला है वही आपको बता रहा हूँ, कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिख लीजिए डार्क फ्रिंग्स रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी, ये तो बाद की बात है, बता रहा हूँ अभी मैं आपको, लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए डार्क फ्रिंग्स रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ब्राइट फ्रिंग्स रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंग्स रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ में आया कि नहीं आया अभी? कर लोगे? एनी प्रॉब्लम क्लास? ये था भी एक्सपेरिमेंट भी जिन्होंने किया, अब इसको एक्सप्लेन करेगा ये पूरे एक्सपेरिमेंट को भी, कैसा क्यों हुआ भी, हो जाएगा भी, उसके बाद टॉपिक बनेगा व्हाट इज इंटरफेरेंस भी, कर लोगे? इंटरफेरेंस क्या था? सुपर इम्पोजिशन, अब तो पता चला कि सुपर इम्पोज किया कि नहीं किया, नहीं बताया कि सुपर इम्पोज किया तो आंसर हुआ होगा ऐसा भी, कर लोगे? डब कर दे भी इसको।